हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवशीष किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, शक्कर, गेहूं का आटा, घी और पानी। इसके लिए एक सही मेजरमेंट होता है। यदि हम सही मेजरमेंट से बनाते हैं कड़ा प्रसाद, जिसे आटे का हलवा भी कहते हैं, यदि हम उसे सही मेजरमेंट से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। उसको परफेक्ट बनाने के लिए आपने, जैसे मैंने एक कटोरी आटा लिया है, तो हम एक कटोरी आटा, उससे जस्ट हाफ शक्कर लेंगे, जो बिल्कुल एक्यूरेट टेस्ट होता है। और यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और जितना हमने आटा लिया है उसका 3 गुना हमें पानी लेना होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले कढ़ाई रखते हैं गैस पे। देखिए, इसमें मैंने घी डाल लिया है। घी मेल्ट हो जाए तब तक हम एक बर्तन लेते हैं, इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे और 3 कटोरी पानी डालेंगे, जितना आटा है उसका 3 गुना। देखिए, और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, इसे सिर्फ बॉईल करना है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तब तक देखिए, हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है। हम इसमें आटा डालकर इसे मध्यम गैस पर आटे को भूनेंगे। ये देखिए, आटे को ऐसे भूनना है मध्यम मध्यम गैस पर, लेकिन इसके लिए गैस तेज नहीं करना है, इसे बिल्कुल आराम से भूनिए, नहीं तो ये जल जाएगा। तब तक इसका कलर चेंज होगा हल्का सा, तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए, आटा अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे बंद कर देंगे और धीरे धीरे इसमें पानी को डालेंगे और साथ में अब जल्दी जल्दी इसे मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे, तो हम इसके लम्स नहीं बनने देंगे। पूरे साइड्स छूट जाना चाहिए, जब जाके ऐसा परफेक्ट कड़ा प्रसाद बनता है। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, कड़ा प्रसाद बनकर रेडी है। अब हम इसे कैसरोल में डालेंगे। ये देखिए, कड़ा प्रसाद बन के रेडी है। अब हम इसे भोग लगाएंगे। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।